बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज जी आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल व्लॉग जो है ना मैं लेकर आई हूँ, और ये हमारे लिए भी बहुत एक यूनिक चीज़ होने वाली है और आप लोगों के लिए भी देखने में भी आपके साथ बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ जो है ना वो होगी। अभी जो है ना आज जो है ना एक चीज़ जो है फ़र्स्ट टाइम जो है ना हम लोग ट्राई करने वाले हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जो है ना ये हमें एक किस्म का चैलेंज दिया गया है कि आप लोगों ने जो है ना ये खा के दिखाना है। तो अभी जो है ना वो चीज़ क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो है जी ये चीज़ हमें जी ये आया है जी बाहर से, और जिसने हमें दिया है ना वो कहते हैं कि ये आप एक बाइट से ज़्यादा जो है ना वो खा ही नहीं सकते, क्योंकि ये देखें हॉट चिकन फ्लेवर में जो है ना ये नूडल्स हैं। और जिन्होंने ये खाया था वो कहते हैं कि आप लोग नहीं खा सकते ये। तो हमने कहा था कि ज़रूर हम क्यों नहीं खाएंगे, हम लोग आपको खा के दिखाएंगे। तो वो जो है ना स्पेशल हमारे लिए जो है ना बाहर से ये नूडल्स जो है लेकर आई हैं, और इंतज़ार किए बगैर जो है ना हम लोगों को ये स्टार्ट करते हैं। आज जो है फैसला किया है कि ये पकाने का, तो अभी जो है ना इसको पकाते हैं, इसको खाते हैं। और जितना हमें बताया गया है कि ये स्पाइसी है उतना ये स्पाइसी है कि नहीं है अभी जो है ना ये देखना है। इसके अंदर जो है ना मुझे एक हमारे यहाँ जो नूडल्स मिलते हैं उसमें होते हैं जी पाउडर होता है, लेकिन इसमें जो है ना सॉस टाइप जो है ना कुछ है, और इसके ऊपर ये ऐसी कोई लैंग्वेज है वो लिखी हुई है जो जिसकी मुझे बिल्कुल जो है ना समझ नहीं आ रही। एनी हाउ अभी जो है ना ये बनाते हैं, पकाते हैं और खाते हैं, और इसका जो एक्सपीरियंस है ना वो आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करते हैं कि हमें जो है ना ये स्पाइसी लगेगा कि नहीं लगेगा, हम लोग ये खा पाएंगे कि नहीं। और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं हूँ, बाबी हैं, ईमान है, फातिमा यूई है, वो है, तो हम चारों के बीच जो है ना ये चैलेंज है कि कौन ज़्यादा नूडल्स जो है ना वो इसके खाता है और इसका कैसा टेस्ट है तो आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो जी हमने जो है ना नूडल्स जो है ना पकने के लिए रख दिया है फ्लेम पे, अभी जो है ये पक रहा है। और ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में नूडल्स मिलते हैं उन नूडल्स से काफ़ी ज़्यादा मोटा है, और इसके अंदर से ये सॉसेज निकली हैं। ये नहीं डाला, एक सॉस है और ये एक पाउडर पाउडर, और ये चीज़ वाला जो है ना नूडल्स है। तो अभी देखते हैं क्या एक्सपीरियंस जो है ना हमारा निकलता है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। तो जी फाइनली नूडल्स जो है हमारा रेडी हो गया है, और अभी जो है ना लेके चलते हैं। और जो सारे जो है ना सबका जो है ना एक्सपीरियंस जो है रिकॉर्ड करते हैं कि सबका जो है ना कैसा लग रहा है। सोनिया है लेकिन खाया जाएगा, पूरा डाला तुमने सारा कुछ, सब कुछ डाला पूरा टेस्ट करो। तो जी हम सब जो है ना खाने के लिए जो है ना अभी बैठ गए, और स्पाइसी फातिमा स्पाइसी लगा सब ने जो है ना, लेकिन इतना नहीं, मैं भी स्पाइसी नहीं है, लहसुन से तो नहीं है। अच्छा है लहसुन ज्यादा स्पाइसी। अच्छा अच्छा सही, छोई नहीं आप बच्चे भी बेटियां। तो जी अभी जो है ना स्पाइसी है बट वैसा नहीं है जैसा हम लोग खाते हैं, इससे ज्यादा तो इससे ज्यादा ब्लेजन स्पाइसी है। मामा नहीं देखते हैं तो सामने बैग खा लेंगे। तो जी देखते देखते पता भी नहीं चला है नूडल किधर गया है, इतना मजे का स्पाइसी भी नहीं। हाँ मैं बैठ ले लूं। हाँ क्या हुआ है, इसने इसने गलती से ना इसका हाथ लग गया, क्या हुआ है डाला उसका तो हल हो गया। ये खा लो, नहीं नहीं इसकी गलती से ना मुंह में चला गया वो, तो इसका तो बुरा हाल हो गया, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ बट इसका बुरा हाल हो गया। मिर्ची मैं आपको कह रही थी ना मिर्ची या मखनी नहीं खाओ, इधर देखो। तो जी हम लोगों ने जो है ना नूडल्स खा लिए हैं, और नूडल्स नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन जितना मैंने सुना था ना कि ये स्पाइसी है इस तरह ऐसा वैसा कुछ नहीं था, मुझे इससे ज़्यादा जो है ना लेजी नूडल्स स्पाइसी लगता है, वो खा के मेरे नाक से पानी आता है, अदरवाइज़ मेरा ये खा के मुझे ज़रा भी स्पाइसीपन जो है ना फील नहीं हुआ। तो जी अभी जो है ना उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वाला छोटा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की कोरियन नूडल्स जो है ना और ज़्यादा ट्राई करूँ,
और चैलेंज करें तो आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।